तो आपका डीपी हो जाएगा डाउन एंड शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको चॉकलेट्स वगैरह लेके आनी है अपने साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। सो आज हम बताने वाले हैं आपको खीर गंगा ट्रैक के बारे में, मतलब आपको ट्रैक कैसे स्टार्ट करना है, आपको बस कहाँ से मिलने वाली है, सारी चीज़ें बता दूंगा कि लोगों को आना है, यहाँ पे प्राइजेस कितने मिलने वाले हैं आपको, यहाँ पे रूम चार्जेस कितना देना पड़ेगा, खाने का क्या प्राइजेस रहेगा, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, मेडिसिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेडिसिन वगैरह मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी को पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ, मैं इस समय खीर गंगा में ही हूँ एंड लुक एट दिस, बहुत तगड़ा व्यू है। अभी मैं आपको चलो लेके चलता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। पहले हम बस से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बस मणिकरण से मिल जाएगी, मणिकरण से बरसाने के लिए बस मिलती है, जिसका जो चार्ज रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, आपको 50 रुपये देने होंगे एंड आपको यहाँ पे खीर गंगा ट्रैक के पास उतार देगा, फिर आपका जो ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक होता है दो चीज़ में, लाइक पहला होता है विलेज का रास्ता होता है एंड दूसरा आपका जंगल वाला रास्ता होता है। वो मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रैकिंग वाली ब्लॉग बनाया है, उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं ये वाली चीज़, तो आप वीडियो देख लोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भाई गैस, अब स्टार्ट होता है ट्रैक के बारे में, किन लोगों को आना चाहिए किन लोगों को नहीं आना चाहिए, ट्रैक की लेंथ क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जो ट्रैक की लेंथ है वो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है एंड ट्रैक भाई हाइट है, मतलब आपको ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पर, तो जिगजैग मोशंस आएंगे एंड सो गाइस, बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं चलने में, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि वो पूरा ट्रैक नहीं कर पाते, मतलब कर भी लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, रोना आ जाता है, उन्हें पैर दर्द करने लग जाता है, चढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का जो ट्रैक है ना 1 किलोमीटर का, वो एकदम ठड्डा है, मतलब खड़ा हुआ चढ़ाई है। तो गाइस वो वाला इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं बोलूँगा जिन लोगों को रियल में ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो वो लोग तो आए, क्योंकि ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था, बट मेरे को काफ़ी मज़ा आया एंड मैंने ट्रैक कंप्लीट भी किया था, मुझे कोई इशू भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों को इशू होता है वो ट्रैक पे ना आए भाई, 16 किलोमीटर का बहुत लॉन्ग ट्रैक है, आराम से 4 या 5 घंटे में आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 1 बजे भी आते हो ना, जैसे हमने 1:30 बजे स्टार्ट किया था एंड 5:30 बजे हमने कंप्लीट कर लिया था, तो मैं भी बोल रहा हूँ अगर आप 1:30 या 2 बजे भी आते हो तो भी आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड गाइस एक और चीज़, रास्ते बहुत खतरनाक है, अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो नीचे आप दिखाई दोगे तो वो चीज़ें भी इशूज़ होंगी आपकी। तो बता देता हूँ ट्रैक के बारे में, बाकी आप ब्लॉग में देख लोगे तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया ट्रैक का, तो आप वहाँ देखोगे, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बताता हूँ बीच में पॉइंट्स मिलते हैं या खाने के या नहीं मिलते, तो बीच में 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे खाने के लिए, तो अगर आपको मैगी वगैरह कुछ लेना है तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो प्राइजेस होगी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो पहाड़ों पर आपको वो चीज़ें सुविधाएँ मिल रही हैं तो उसकी प्राइजेस तो कॉस्टली होने वाली हैं, तो प्राइजेस कॉस्टली होंगी, काफ़ी सारी होंगी, लाइक आपको मैगी मिलेगी 100 रुपये की, आलू का पराठा 100 रुपये का, चाय 40 की, ये प्राइजेस रहती हैं। अभी देखो जो ट्रैक कर आपने रास्ता कंप्लीट कर लिया, आपको कोई इशू नहीं हुआ, आप बस से आ गए बरसाने के लिए, बरसाने से ट्रैक स्टार्ट होता है, दो वे उसमें होता है, एक विलेज का रास्ता होता है, एक हमारा जंगल का रास्ता होता है, तो जंगल वाला रास्ता है ना वो ट्रैक का, वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसी रास्ते से आएँ। एंड गाइस एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे आप ट्रैक करोगे तो जब ऊपर चढ़ जाओगे ना तो आपका डीपी हो जाएगा डाउन एंड शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, तो आप क्या करना है, आपको चॉकलेट्स वगैरह लेके आनी है अपने साथ, तो वो चीज़ आप कैरी करोगे तो सही रहेगा, आपका शुगर लेवल सही रहेगा। एंड एक और चीज़ कि अगर आप कैरी बैग लेके आते हो तो उसमें वेट बहुत कम रखना, क्योंकि ट्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक मैंने जो ट्रैक किया था ना, मेरा पीछे बैग था, तो भाई मेरा पीछे बैग चला गया था, तो ट्रैक करने में प्रॉब्लम होगी। एंड एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शूज़ अच्छे पहन के आना, क्योंकि भाई जो ट्रैक वाला रास्ता है ना, कुछ ऐसे हैं कि पहाड़ों पर आपको करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा एंड बहुत स्लिप वाले रास्ते में पानी फैला हुआ, वहाँ से भी आपको निकलना पड़ेगा, अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं है ना तो आपकी बैंड बच जाएगी, तो आपको शूज़ भी अच्छे लेके आने हैं। बाकी का जैसे आपने ट्रैक कंप्लीट कर लिया, ऊपर आ गए, 16 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, इससे कम नहीं है, 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ऊपर आए, ऊपर आपको रूम वगैरह का चार्जेस बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने रूम लिया है वो 600 रुपये पर बंदे के अकॉर्डिंग लिया है, जिसमें आपको डिनर भी मिलेगा एंड आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। डिनर में आपको 4 रोटी दी हमें, चावल दिए, सब्जी दिए, सब्जी चावल आप अनलिमिटेड ले सकते हो उनसे, वो मना नहीं करेंगे आपको, 4 रोटी देंगे बस एंड पेट भर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी का ब्रेकफास्ट में आपको एक पराठा मिलेगा या फिर मैगी मिलेगी, ये चीज़ें आपको ब्रेकफास्ट में मिलने वाली है यहाँ पे। एंड ज़रूरी नहीं है आप नीचे से बुकिंग करो, आप ऊपर आके भी बुकिंग कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू नहीं होने वाला इधर। बाकी का आप जैसे थक जाओगे तो डेफिनेटली आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तो आप रेस्ट करोगे, सो ही जाओगे यार, क्योंकि यार सो जाते हैं सब लोग, हम लोग भी सो गए थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत कार्ड वगैरह खेले थे, सब लोग ग्रुप में आए थे तो मज़ा आया था।
एक और चीज़, ग्रुप में आना, ग्रुप में आते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, और आप में आपको ना रास्ते में बहुत सारे लोग ही मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करें, आपकी लोग डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं रास्ते में, आपको रास्ता बता दें। वैसे रास्ता ऐसा नहीं है, आपको पता चल जाएगा ये रास्ता है। अगर आपको यहाँ भी डाउट होगा ना तो वहाँ पर लोग होंगे, 100% होंगे कुछ ना कुछ लोग, तो बता देंगे ना ये वाला रास्ता है, तो आप वो वाले रास्ते से चले जाना, कोई इशू नहीं वाला ट्रैक का। जिनको इंटरेस्ट है तो ट्रैक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छा ट्रैक है, मज़ा आता है रास्ते में सीरियसली। एंड आप जैसे ही ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको ये वाला जो व्यू दिखाई देगा ना, तो बहुत अच्छा व्यू है। एक और चीज़ करके मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर्दी है इस समय, शाम को बहुत सर्दी रहती है, तो भाई आप अपने विंटर क्लॉथ्स लेके आना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार हमारे साथ में कुछ लोग नहीं लेके आए थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। तो मैं बोलूँगा कि आप विंटर क्लॉथ्स लेके आना अपने, फिलहाल के लिए मैं यहाँ बैठ लेता हूँ, खड़े खड़े परेशान हो गया जी। हाँ, तो विंटर क्लॉथ लेके आना आपने, यहाँ धूप पड़ रही है तो पता नहीं मैं दिख रहा हूँ या नहीं। बाकी खाने में आपको कोई इशू नहीं होगा, ये चार्जेस रहेंगे आपको, और कैश लेके आना, कैश के बिना मत आना, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा नहीं, नेटवर्क जीरो, एक नेटवर्क नहीं आएगा यहाँ पे आपके मोबाइल का, तो नेटवर्क जीरो होंगे, तो आप कैश लेके आना, अदरवाइज इशूज़ होंगे। कैश ज़्यादा लेके आना, 4-5 हज़ार रुपये लेके आओगे तो चल जाएगा काम। वैसे ट्रैक में भी आपको चार्जेस कुछ खाओगे तो आपको देना पड़ेगा वो भी, और आप ऊपर भी चढ़ जाओगे तो आपको देना पड़ेगा, तो ट्रैक का वो इशू कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। लाइक आपको पैसे लेके आना है, कैसे लेके आना। बाकी का जैसे आप मॉर्निंग होगी तो आपको यहाँ पे कुंड है, कुंड में नहाने को मिलेगा, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप उस कुंड में नहा सकते हो। अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहेगा कुंड का, जो भी थकान होगी आपकी चली जाएगी, क्योंकि भाई बहुत गर्म पानी, निकलने का मन नहीं करते सीरियसली। मैं हम लोग आधे घंटे से उसी में थे, तो मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा था, फिर हम लेट हो रहे थे, हमें निकलना भी है, अभी जाना भी है, तो हम लोग जल्दी निकल आए थे। भाई गाइस अपने आप पावर बैंक वगैरह लेके आना मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए, लेकिन मोबाइल का यूज़ तो है नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं आते। भाई गाइस अगर आपको कोई इशू होता है तो मुझे कॉमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला रिप्लाई देना मेरे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट वहाँ पर भी पूछ सकते हो। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।